ये लड़का खुद तैयार होकर स्कूल जा रहा था तो इसकी सौतेली माँ काफी गुस्सा होते हुए इसे बोलती हैं, पढ़ लिखकर कलेक्टर नहीं बनना है, चुपचाप भैंस को चराने ले जाओ। और जब बच्चे के पापा बोलते हैं तो ये माँ इन पे भी काफी गुस्सा हो जाती हैं। तो लड़का रोते हुए भैंस लेकर जंगल में आकर बैठ कर रो रहा था, तभी इसके पापा आ जाते हैं। तो बेटा पापा से लिपट कर चीख चीख कर रोने लगता है। फिर पापा इसे इसका बुक देकर अपने काम पे चले जाते हैं। फिर अगले दिन बच्चा अपना बुक पढ़ रहा था, तभी माँ काफी गुस्सा होते हुए बुक लेकर जलने के लिए चूल्हे में रख देती हैं। तो लड़का फटाक से बुक बाहर निकाल कर आग बुझाते हुए रोते रोते ही सो जाता है। फिर अगले दिन भैंस लेकर स्कूल के बगल से गुजर ही रहा था, तभी स्कूल की घंटी बजती है। तो लड़का स्कूल में आकर पढ़ने लगता है और इधर भैंस जमींदार के खेत में चला जाता है। तो जमींदार काफी गुस्सा होते हुए आकर लड़के के माँ का सारी बातें बताता है। लड़के की माँ काफी गुस्सा होते हुए स्कूल में आकर लड़के पे चिल्लाने लगती है। तो बच्चे का पापा आकर अपने वाइफ पे चिल्लाते हुए अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं। कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखे।